नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। समाजवादी पार्टी के आवेदक महापौर एवं तेलिंग महासंघ फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष मोहित राठौर के आवास पर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर मुकेश वर्मा ने पुष्पों की वर्षा कर एक दूसरे के गले मिलकर होली की मुबारकबाद दी। इस दौरान क्षेत्र के गणमान्य लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महापौर पद के आवेदक मोहित राठौर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चित्र पर फूल माला डालकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात सभी गणमान्य लोगों को जलपान कराया, साथ ही होली को अच्छे ढंग से मनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि होली के दिन लोग शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा मृत्यु रोड एक्सीडेंट के दौरान होने वाली घटनाओं से होती है। इसीलिए सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रेम और सद्भावना के बीच रहकर होली का पर्व मनाएं। होली मिलन समारोह में आए हुए सभी अतिथियों का, सभी लोगों का मोहित राठौर की तरफ से सम्मान किया गया। फिरोजाबाद से रिपोर्ट, इरफान अब्बासी। का होली मिलन समारोह रखा गया आज रामनगर में मेरे निज निवास पर। एक होली मिलन समारोह यहाँ रखा गया, जिसमें आप देख सकते हैं सभी फिरोजाबाद के हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम हर त्यौहार को लगभग सभी लोग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देते हुए, हमने पिछली बार दीपावली भी मनाई थी, इस बार होली भी मनाई है, और आने वाले त्यौहार हैं सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं और मनाते आए हैं, मनाते भी रहेंगे। मैं लोगों से फिरोजाबाद की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सभी बारात और होली दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं, तो सभी लोग इस तरीके से त्यौहार मनाएं कि जब उन लोगों की हिंदू की होली हो तो हिंदू आराम से होली खेलें, और जब उनकी सभ्य बारात का टाइम आए तो उन लोगों को भी आराम से सभ्य बारात के जो उनके प्रोग्राम होते हैं उनको करने दें। कोई भी लोग अगर वो सभ्य बारात के लिए कोई लोग जा रहे हैं तो हिंदू भाइयों से मेरा अपील है कि वो लोग उनके ऊपर कलर ना डालें, और जो जान पहचान के लोग हैं उनके साथ कलर डालें। और इस होली के अवसर पर युवाओं से स्पेशली कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग शराब का सेवन ना करें, बाइक पर ट्रिपल राइडिंग ना करें, जिससे कि आप हर साल देखते हैं कि हर साल होली के टाइम पर लोग शराब पी करके या नशा कर करके कुछ लोग ज़्यादातर एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो सभी लोगों से, युवाओं से स्पेशल मेरा कहना है कि वो लोग ट्रिपल राइडिंग ना करें और नशे से दूर रहें। ईद, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ये सब हमारे देश के त्यौहार हैं, और इसलिए हम सब लोग मिलकर पूरा देश आज होली मना रही है, और हम लोग भी मनाने आए हैं, और मोहित ने हमें जब बुलाया और अपने स्थान पे सब लोगों को जलपान कराया और सब लोगों को गले लगाकर एक संदेश दिया कि आओ हम सब मिलकर भाईचारे का पैगाम पूरे फिरोजाबाद और देश को देने का काम करें। दोस्तों, जब ऊपर वाले ने यह तय कर लिया कि शबे बारात और होली एक दिन होगी तो हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, ईश्वर और अल्लाह बात तो एक ही है, अलग तो कुछ है नहीं। अच्छा, त्यौहार अलग अलग है लेकिन मकसद एक ही है, तो इसलिए हिंदू मुसलमान अपने दोनों त्यौहार मनाएंगे, बड़े खुशी से मनाएंगे, प्यार से मनाएंगे, रंग भी डलेगा और डाला जाएगा, खेला जाएगा, प्यार किया जाएगा, और किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मोहित ने बहुत अच्छी बात कही कि शराब पी के गाड़ियाँ चलाते हैं। आज उन माओं से पूछो, जब त्यौहार वाले दिन बच्चे का एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है तो उसकी माँ पे क्या बीतती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, फिरोजाबाद के लोगों से प्रार्थना कि आप शराब को हाथ नहीं लगाएंगे और होली बहुत आलीशान मनाएंगे। ये हमारी आपसे अनुरोध।